नाउ द प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो प्रोसेस क्या होती है अकाउंटिंग को करने की या किसी भी ट्रांजेक्शन को करने की? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, पहले सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को पता करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सेकेंड इज मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब उसको पता करना पड़ता है कितने का ट्रांजेक्शन है, कितना बड़ा ट्रांजेक्शन है, ये सब। थर्ड इज रिकॉर्डिंग, हम फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिखते हैं। तो वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन 8 बुक्स, लाइक वी हैव 8 बुक्स। फर्स्ट वन इज कैश बुक अकाउंट। बुक और अकाउंट एक ही चीज़ है, सो कैश अकाउंट भी बोल सकते हैं, कैश बुक भी बोल सकते हैं। सेकेंड इज परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, बिल रिसीवल बुक, बिल पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सो जर्नल प्रॉपर क्या होता है, ट्रांजेक्शन विच आर नॉट फिट इन दिस 7 बुक्स इज रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। नाउ फोर्थ थिंग इज क्लासीफाइंग, मतलब उसको अलग अलग करते हैं। फिर समराइजिंग, मतलब उसमें हम पता करते हैं कि समराइज उसको लिखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, हमारी पोजीशन क्या है बिजनेस की, ये सब लिखते हैं। फिर एनालाइज करते हैं कहाँ दिक्कत आई, इंटरप्रिटेशन करते हैं उसको एकदम अच्छे से लिखते हैं। फिर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग मतलब उसको पब्लिश कर देते हैं, गवर्नमेंट को कर देते हैं या ओनर जो है, क्रेडिटर जो है, उनको पब्लिश कर देते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग अभी हमको 3 प्रकार की करनी रहती है, इसको ब्रांचेस भी बोलते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हमने पढ़ा, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग जो वर्कर लेबर के रिलेटेड रहती है, और मैनेजमेंट रिलेटेड अकाउंटिंग। ये 3 प्रकार की अकाउंटिंग रहती है, मतलब अकाउंटिंग और भी प्रकार की रहती है, पर अभी हमें 3 प्रकार की करना है।